All right. Good morning, Vijay. So far, we have discussed two principles of insurance, that is principle of utmost good faith and principle of insurable interest. So as you said, it's clear to you. So I'm carrying forward with the third principle of insurance, which is principle of indemnity. Bete, all the insurance contracts, except for the life insurance, they are the contracts of indemnity. Insurance ka contract jo hai, it is the contract of indemnity, which means the insurer undertakes to put the insured in the event of loss in the same financial position which he occupied before the happening of an event. Jo insurance ka contract hai, it is a contract of indemnity. It is the contract of making good the loss. It is not the contract of making profit. Jab ek contract sign karta hai, sign hota hai insurer aur insured mein, usme insurer ye undertake karta hai ki agar insured ko loss hoga तो मैं इसको पहली वाली पोजीशन पर ला दूंगा. ही अंडरटेक्स टू पुट द इंश्योर्ड ऑन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच ही वाज ऑक्यूपाइंग बिफोर द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और बिफोर द अकरेंस ऑफ द लॉस. ठीक है. सो व्हिच मींस इफ यू हैव गॉट योरसेल्फ इंश्योर्ड योर प्रॉपर्टी insured for 20 lakh rupees, you are paying premium for the loss of 20 lakh rupees. In that case, agar aapko loss hota hai aur loss 10 lakh ka hota hai, to aap ye nahi keh sakte ki aapne to 20 lakh ki insurance karwai hai. Aap 20 lakh ke hisab se premium pay kar rahe ho, aapko insurance company kitna degi? Jitna aapka लॉस हुआ है, दैट इज 10 लाख रुपीज. क्यों? आपका नुकसान 10 लाख हुआ, 10 लाख कंपनसेशन देके यू विल कम एट द सेम पोजीशन व्हिच यू वर ऑक्यूपाइंग बिफोर द अकरेंस ऑफ लॉस. क्लियर? अगर आप कहो कि मैंने तो 20 लाख की इंश्योरेंस करवाई है, 20 लाख का के हिसाब से मेरा प्रीमियम बनता है, तो आप मुझे 20 लाख दो, तो ऐसे क्या हो जाएगा? नुकसान कितने का हुआ? 10 लाख का. कंपनसेशन कितनी मिल गई? 20 लाख. यू आर तो मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. बट व्हाट इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मेकिंग गुड द लॉस. इट सीक्स और इट अंडरटेक्स टू पुट द इंश्योर्ड एट द सेम फाइनेंशियल पोजिशन विच ही वॉज ऑक्यूपाइंग बिफोर द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. क्लियर? तो अगर नुकसान 30 लाख का हो जाता है, फिर कितना मिलेगा आपको कंपनसेशन? आपने 20 लाख की इंश्योरेंस करवाई है, नुकसान हो गया 30 लाख, तो आपको मैक्सिमम 20 लाख मिलेगा. ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को इंश्योर्ड ही 20 लाख तक का करवाया है. राइट? यू हैव गॉट योरसेल्फ इंश्योर्ड फॉर अप टू फॉर द लॉस अप टू रुपीज 20 लाख. सो इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू आइदर इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, विच एवर द केस मे बी. नाउ व्हाई दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस? बिकॉज बेटे, हेयर वी आर मेजरिंग लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी. And life loss, loss of life cannot be measured, nor can it be compensated in terms of money. ठीक है? तो अगर आपको कोई इंश्योरेंस एजेंट आके बोले किसी भी फैमिली में डेथ हो गई, वो आके कहता है ये लो कोई बात नहीं, ये लो कंपनसेशन, वुड यू बी कंपनसेटेड बाय दैट? नो. मनी कभी भी किसी की लाइफ को कंपनसेट नहीं करती. सो दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू द life insurance. It is applicable to the fire and marine
insurance. Is it clear? Now, anyone having any doubt, you can ask. Next principle on which the contract of insurance is based is principle of proximate cause, also called as causa proxima, principle of causa proxima. So, bete, according to this principle, an insurance policy is designed to provide compensation only for such losses which are caused by the perils. Perils means dangers, risks, as stated in the insurance policy. समझो इसका मतलब क्या है. आपने इंश्योरेंस ले ली, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ली. अब इस केस में जिस पर्सन ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ली है, अगर उसकी डेथ एक्सीडेंट से होती है, उसको तभी कंपनसेशन मिलेगी. क्यों? आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का, उसमें कौन सा पैरल, कौन सा रिस्क स्टेटेड है? एक्सीडेंट. यू हैव गॉट योर लाइफ इंश्योर्ड फॉर द फियर ऑफ एक्सीडेंट. ठीक है, आपको लगता है कि आपकी डेथ एक्सीडेंटल होगी, तो आपने अपने आप को एक्सीडेंटल इंश्योर करवा लिया कि अगर मेरी डेथ एक्सीडेंट के करके होती है तो मेरे डिपेंडेंट को इतनी इंश्योरेंस की अमाउंट दे दी जाएगी. तो अगर इस पर्सन की डेथ एक्सीडेंट से होती है, दैट इज कॉज्ड बाय द पेरिल एज स्टेटेड इन द पॉलिसी, ठीक है, इन दैट केस कंपनसेशन विल बी पेड टू हिज डिपेंडेंट्स. बट इन केस द पर्सन डाइज ड्यू टू से हार्ट अटैक, इन दैट केस ही विल नॉट बी पेड कंपनसेशन. ठीक है, तो अगेन आई एम रीडिंग आउट दिस प्रिंसिपल. According to this principle, an insurance policy is designed to provide compensation only for such losses as are caused by the perils stated in the policy. Insurance contract को इस तरह से design किया गया होता है कि उन्हीं losses की compensation pay की जाएगी जो कि उस peril से, उस डेंजर से, उस रिस्क से हुए हैं जो कि पॉलिसी में स्टेटेड है. अब प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब जो लॉस है वो दो या दो से ज्यादा कारण से होता है. राइट, व्हेन द लॉस इज कॉज्ड बाय टू और मोर देन टू कॉजेज, इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द प्रॉक्सिमेट कॉज. Proximate cause मतलब the direct, most dominant, most effective cause of which the loss is natural consequence. Getting my point? अगर loss दो या दो से ज्यादा कारण से हो गया, उस केस में क्या करोगे? यहां पे तो clear cut हो रहा है, accident के करके death हुई तो compensation मिलनी है. Heart attack हो गया, compensation नहीं मिलेगी. दूसरा केस देखो, एक पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है, पर एकदम से आगे से ट्रक आ गया, ठीक है, वो रोड क्रॉस भाग के करने लगा, उसको हार्ट अटैक, शॉक के करके हार्ट अटैक आ गया, ही फेल डाउन, मेट विद एन एक्सीडेंट, डाइड. नाउ देयर आर टू कॉजेज ऑफ हिज डेथ, हार्ट अटैक भी आया, डॉक्टर्स कह रहे हैं हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई, लेकिन वो हिट हुआ एक्सीडेंट से. अब हो सकता है उसने नेचुरल कॉज की लाइफ इंश्योरेंस करवाई हो सकता है एक्सीडेंट की करवाई हो, तो कौन सा कॉज मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज है उसकी डेथ का? रिसर्च हैज टू बी डन. मैं नहीं यहाँ पे बता सकती कि भी वो जा रहा था, अच्छा भला था, उसको तो देख के शॉक लगा, अगर वो ट्रक ना आ रहा होता तो वो रोड क्रॉस कर लेता, आज अलाइव होता, है ना. तो हेयर आई एम नॉट टू बी डिसाइडिंग व्हाट वाज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज. अगेन इट इज द यू नो जॉब ऑफ द सर्वेयर्स टू फाइंड आउट के
क्या कारण बना डेथ का? मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट डोमिनेंट कॉज, मोस्ट डायरेक्ट कॉज कौन सा बना? अगर मोस्ट डायरेक्ट कॉज इज द वन स्टेटेड इन द पॉलिसी, ही विल बी कंपनसेटेड. इफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज हार्ट अटैक, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया हार्ट अटैक से डेथ हुई है, ठीक है, कोई हिट नहीं किया उसको, उससे पहले ही उसको हार्ट अटैक आ गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी हमारा, हमने तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करी थी, तो हार्ट अटैक तो इसमें कवर्ड ही नहीं है, हम कंपनसेशन नहीं देंगे. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज जो बनता है फिर उसको लिया जाता है. वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक. आपने मरीन इंश्योरेंस करवाई हुई है. मरीन इंश्योरेंस, मरीन समझते हो, शिप में जब गुड्स जाते हैं उसको मरीन कहते हैं. मरीन इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है. तो गुड्स आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आपने मरीन इंश्योरेंस करवाई है, तो जो मरीन इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डायरेक्टली लिखा होता है, इफ लॉस इज कॉज्ड ड्यू टू एनी पेरिल्स ऑफ सी, एनी पेरिल्स ऑफ सी, कल को शिप के बीच में पानी आ गया या शिप डूब गई, ये पेरिल्स ऑफ सी होते हैं. या शिप पे को किसी ने लूट लिया, ठीक है, तो वो पेरिल्स होते हैं. अब क्या हुआ, आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए. अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, पानी आ गया उस घर के, आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो आपको इंश्योरेंस मिलेगी, क्लेम मिलेगा. लेकिन अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए इस करके कि शिप में रैट्स आ गए, रैट्स ने आपके, लेट अस सपोज एलईडी एक्सपोर्ट हो रही थी, तो उसने सारे बॉक्सेस कुतर दिए, तारें कुतर दी, नुकसान हो गया, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी विल रिफ्यूज टू पे द कंपनसेशन, बिकॉज द गुड्स बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय रैट्स इज डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पेरिल्स ऑफ सी, ठीक है. सो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉक्सिमेट कॉज जो है, अगर वो लॉस या वो कॉज स्टेटेड है पॉलिसी में, तो उसके करके अगर लॉस हुआ है तो कंपनसेशन मिलेगी, अदरवाइज कंपनसेशन नहीं मिलेगी. इज इट क्लियर? ठीक है, साथ साथ में एग्जांपल्स दे रही हूं. सो अभी आपका वी आर नॉट श्योर के एमसीक्यूज होंगे. अ चाइल्ड इवन आस्क्ड मी के हमारे टर्म वन ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, तो बेटे वी आर येट टू डिसाइड, मोस्ट आई कांट से एनीथिंग. तो अगर आपको ये आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है वो एनी टू प्रिंसिपल्स कह दे, हो सकता है प्रिंसिपल्स बोल दे कि इनके बारे में लिखो. सो इन ऑर्डर टू फेच फुल मार्क्स ऑलवेज राइट एन एग्जाम्पल, हमेशा एग्जाम्पल देनी है उसकी, ठीक है. ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन ऑफ लॉस. प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन ऑफ लॉस. सो व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्टेट? सी, इट इज द राइट ऑफ द इंश्योरर. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन, इट इज द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड, to step into the shoes of insured after the settlement of the claim. Once the insurer has made the, paid the compensation, claim de diya usko, usko compensate kar diya uske loss ke liye, so now insurer can step into the shoes of insured. What does it mean? Let's take an example. A person has got his car insured. The car meets with an accident. The person meets with an accident. Car is damaged. जब insurance company ने देखा तो insurance company ने इसको total loss declare कर दिया. Total loss का मतलब क्या होता है? अब ये car ठीक नहीं हो सकती, repair नहीं हो सकती. तो car की valuation की गई, तो जितनी compensation बनती थी उन्होंने उसको दे दी. से 3 lakh rupees उसकी value बनती थी. तो 3 lakh rupees आपने इंश्योर्ड को, इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया. नाउ आफ्टर दैट, ये जो कार पड़ी हुई है डिस्ट्रॉयड कार, ये किसके पास आएगी? हु विल कीप दिस कार?
इंश्योर्ड रख ले, चलो इंश्योर्ड ने रख ली। उसके बाद उसने क्या किया, इसके सारे पार्ट्स निकाल निकूल के लोहे के भाव कबाड़िए को बेच दिए, 50,000 रुपए कमा लिए। उसका नुकसान कितने का हुआ था, 3 लाख। कार की वैल्यू कितनी थी, 3 लाख, ठीक है। और ये कार बेच के उसने और कितना अर्न कर लिया, 50,000। उसके पास कितने आ गए, 3.5 लाख। इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल हेयर, ही इज मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, वेयर एज इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग गुड द लॉस, नॉट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। सो विच मीन्स अगर क्लेम सेटल कर दिया गया है तो इंश्योरर हैज द राइट टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड। ये कार कौन रखेगा, इंश्योरेंस कंपनी रखेगी, चाहे उसने उसका कुछ नहीं करना। आप देखो 2-3 एरियाज जलंधर में ऐसे, अगर मकसूदा की तरफ चले जाओ आप राइट हैंड साइड देखोगे कितनी कारें पड़ी हुई हैं एक ऑफिस के बाहर, वो सारी टोटल लॉस कारें, वो यही कार्स हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटल कर दी है, अब वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। उसका किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है, लेकिन वो इंश्योर्ड को नहीं दी जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमारा ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वॉयलेट होता है। ये जो प्रिंसिपल है सबरोगेशन ऑफ लॉस, दिस इज कोरोलरी टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, उसी की एक्सटेंशन है, राइट। अनदर एग्जांपल यू कैन टेक, फायर इंश्योरेंस ली हुई है फैक्ट्री में, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स की वैल्यूएशन की गई, 10 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी ने देके आपका क्लेम सेटल कर दिया। उसके बाद आपने देखे कुछ गुड्स बचे बुचे थे, आपने उनको बेच के 3-4 लाख रुपए कमा लिए, अगेन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज बीइंग वायलेटेड। हेयर ऑल्सो द गुड्स विल बी टेकन अवे बाय द इंश्योरर, दैट इज इंश्योरेंस कंपनी। इज इट क्लियर? सो वंस द क्लेम हैज बीन सेटल्ड, इट इज द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड, ठीक है। रीजन, बिकॉज द इंश्योर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू मेक any profit by selling the damaged property. Clear? So, anyone having any doubt? Last principle, no, one more is there. Okay, principle of contribution. Principle of contribution kya hota hai? Bete, agar aapne एक से ज्यादा पार्टी से इंश्योरेंस करवाई है, आपकी एक फैक्ट्री है, इट इज वेरी मच ससेप्टेबल टू फायर, ठीक है। आपने कहा पता नहीं कभी भी आप वो बनाते हो, लेट्स से क्रैकर्स बनाते हो, तो ऐसी जो फैक्ट्रीज होती हैं इनमें जो मटेरियल यूज होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल होता है, तो यू आर क्वाइट ससेप्टेबल टू फायर, सो यू गॉट योर फर्म इंश्योर्ड, फायर इंश्योरेंस करवा ली। आपने ऐसे किया, आपने 2 पार्टी से इंश्योरेंस करवा ली, ठीक है। एक से आपने कराई 10 लाख की, दूसरे से आपने कराई 5 लाख की। अब कल को फायर ब्रेकआउट हो गई तो लेट अस से आपका 3 लाख का नुकसान हो गया। अब कौन कंपेंसेट करेगा आपको, ए करेगा, बी करेगा, दोनों करेंगे, कितना करेंगे, दोनों करेंगे, 3-3 लाख दोनों से ले लेगा। अगर वो 3-3 लाख दोनों से ले ले, लेट अस सपोज इसने कहा मैंने भी तेरे को प्रीमियम पे किया हुआ है, देख मेरा नुकसान हो गया, इसने कहा ठीक है ये ले 3 लाख रुपए, इसको भी जाके बोला मैंने इंश्योरेंस कराई हुई, प्रीमियम पे किया हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है, इसने कहा ये ले कंपनसेशन 3 लाख रुपए, कितने आ गए उसके पास, he is making principle of indemnity is again violated. Can he make profit out of the contract of insurance? Insurance is the contract of making good the loss, compensating the loss, not of making profit. So kya karna chahiye,
लेट अस से ए ने इसको 3 लाख रुपए दे दिए। अब ए ने चेक किया, इसने तो बी से भी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, सो व्हाई शुड आई बी पेइंग द होल ऑफ द कंपनसेशन। एंड दिस इज ऑल्सो स्टेटेड ओवर देयर, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, कि अगर एक पार्ट उसने एक से ज्यादा पार्टी से इंश्योरेंस करवाई हुई है और एक पार्टी कंपनसेशन दे देती है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से अपने हिस्से का कंपनसेशन ले सकती है। अब कितना, अब ये आपको पता चल गया मैक्सिमम उसने 3 लाख ही कंपनसेट होना है, ठीक है, तो कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे दोनों, इन द रेशियो ऑफ 2:1, जिस रेशियो में उसने इनको इंश्योरेंस करवाई हुई है। अगर इक्वल करवाई होती 5-5 लाख तो 1.5-1.5 लाख देते, लेकिन इस केस में 2 लाख पे करेगा ए और 1 लाख पे करेगा बी। अगर ए ने पे कर दिया 3 लाख तो वो बी से 1 लाख ले लेगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज द राइट ऑफ एन इंश्योरर हु हैज पेड क्लेम टू कॉल अपॉन अदर लायबल इंश्योरर्स। ए का राइट है, अगर उसने क्लेम सेटल की है, कंपनसेशन पे की है, तो उसका राइट है कि वो बाकी इंश्योरर को कॉल अपॉन कर सकता है टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द लॉस पेमेंट। इट इज द राइट ऑफ द इंश्योरर हु हैज पेड द कंपनसेशन टू कॉल अपॉन अदर लायबल इंश्योरर्स फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेमेंट, लॉस पेमेंट। इट इंप्लाइज दैट इन केस ऑफ डबल इंश्योरर इंश्योरेंस, द इंश्योरर्स आर टू शेयर द लॉसेस इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। ठीक है, अगर डबल इंश्योरेंस है तो इंश्योरर को लॉस किस प्रपोर्शन में शेयर कर लेना चाहिए, इन द प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट एश्योर्ड बाय देम। इसने श्योर किया था मैं 10 लाख तक की पेमेंट दूंगा, इसने श्योर किया था मैं 5 लाख तक की पेमेंट दूंगा। अब ये दोनों, मतलब इनकी रेशो क्या हुई, 2:1, नुकसान चाहे 10 लाख से कम हुए लेकिन डबल इंश्योरेंस का केस है, इसमें ये अकेला नहीं फंसेगा। He will call upon the other insurer to pay his share of the compensation. ठीक है, so in case there is a loss, when there is more than one policy on the same property, the insured will have no right to recover more than full amount of his actual loss. Uske paas koi right nahi hai ki wo actual loss se zyada ki amount ko recover kar sake. Agar aisa ho bete to har ek koi fire insurance kara ke aur apni building mein aag laga de, or not, hai na? Aap bolo 5 lakh ka nuksan hua, 10 lakh aa jana hai, तो फिर ये तो एक बिजनेस बन जाएगा। सो वी डू नॉट वॉन्ट दैट। सो इफ द फुल अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम वन इंश्योरर, द राइट टू ऑब्टेन फर्दर पेमेंट फ्रॉम द अदर इंश्योरर विल सीज। अगर उसने इससे ले ली और अब बी के पास चला गया, तेरे से भी तो इंश्योरेंस करवाई है, तू भी दे, ही विल सीज हिज राइट। एक से इंश्योरेंस ले ली, एक से क्लेम ले लिया, अब उसका राइट खत्म टू ऑब्टेन insurance or claim from the other party. ठीक है, so this principle of mitigation of loss states that it's the duty of the insured to take reasonable steps to minimize the loss to the insured property. So as I gave you one example, कि आपके गोडाउन में या आपकी बिल्डिंग में आग लग गई है, you should take every possible step to extinguish the fire. अगर आप carelessness show करते हो, आप अपनी prudence उस time पे show नहीं करते हो, तो कि just because of the reason that you will be getting the compensation, then you may lose the claim from the insurance company. These were all the principles of insurance.